तेज रफ्तार बस ने बाबा और नाती को रौंदा, मौके पर हुई दोनों की मौत। जहानाबाद से फतेहपुर जा रही प्राइवेट बस बुढ़ंदा गांव के समीप एक साइकिल सवार बुजुर्ग को टक्कर मार दी, जहां 65 वर्षीय बुजुर्ग छेदालाल व 7 वर्षीय नाती की मौके पर ही मौत हो गई। ऐसी ही खास खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जनमत न्यूज से। संवाददाता शिव प्रकाश की खास रिपोर्ट। तो भी मरवाई ही होती है आदमी के, आज जान ना आप लौटा देंगे ना मैं लौटा दूंगा। कार्रवाई हो सकती, जो बड़ी कार्रवाई हो सकती पुलिस करेगी, लेकिन उसके लिए पुलिस है। लेकिन वो चीज जब दुर्घटना कभी कभी होती है तो वो चीज क्या है, उनमें सुधार होता है। सुधार होता है कि नहीं? क्या सुधार चाहते हैं? हमने बता दिया प्राइवेट हटाओ सरकारी लाओ, ये सारी चीजें तत्काल नहीं होने, सारी चीजें नहीं खत्म हो जाएंगी। आज से प्राइवेट नहीं चल रही है, मुद्दत से चल रही हूँ। आज तो सर एक बात बताइए, आप मुद्दत से चल रही है, मुद्दत से सरकारी बसें आज तक नहीं दिखाई दी। क्या नाम था मैं आप बताएं? बोलो। ट्रैक्टर घर से आ रहा था, घर मकान बन रहा था, मोरंग डाल के ट्रैक्टर रोड पे चढ़ाया फुल स्पीड में, और बस वाला भी फुल स्पीड में जी बाई तरफ को काट दिया। तो इसके बाद में मैं यहाँ पे आ रहा था, तो मैं इस खंती की तरफ भागा, मगर बस में कोई कोना छू गया मेरी साइकिल पे, तो मैं भी गिरा और साइकिल मेरी पूरी टूट गई। आपका नाम? मेरा नाम नरेंद्र कुमार, मकंदीपुर ग्राम थाना चांदपुर। तो ये आपके सामने की घटना, बैठो गाड़ी बैठो फट से।